सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर एक्समैन जो ई रिक्शा चार्जर है उसके ऊपर वीडियो बनाए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये एक्समैन का ई रिक्शा चार्जर है, इसको हमें किस तरह से रिपेयर करना होता है गाइस, और इस ई रिक्शा में किस तरह के फॉल्ट आते हैं, और ये इस ई रिक्शा में चार्जर में प्रॉब्लम क्या है, क्या फॉल्ट है गाइस, मैं इसको भी दिखाने वाला हूँ और इसको रिपेयर करने के भी बताने वाला हूँ गाइस। और इस ई रिक्शा, ये जो एक्समैन का ई रिक्शा चार्जर का पीसीबी है, और इस पीसीबी में कौन से वोल्टेज कहाँ मिलते हैं गाइस, और इसका किस तरह से ड्राइवर सेक्शन काम करता है, और किस तरह से एमटी हमारी चालू होती है, और किस तरह से हमारा जो आउटपुट सेक्शन है वो किस तरह से काम करता है गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहें। सो गाइस, एक बात मैं और भी बता देता हूँ कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास जो हमारी पीसीबी है ये एक्समैन की है। मैं एक बार इसका जो है आपको दिखा देता हूँ, चार्जर का जो फ्रंट पैनल है देख पा रहे होंगे, ये एक्समैन का 48 वोल्ट का चार्जर है गाइस। और इस चार्जर में प्रॉब्लम मैं आपको एक बार दिखाता हूँ गाइस। मैं इसको गाइस इसमें ये हम पीछे साइड से हमने इसमें एसी वोल्ट को इसकी सप्लाई को जो है जोड़ लिया है, और इसके बाद मैं अभी इस चार्जर में एसी इनपुट करता हूँ गाइस। ये मैं मेरा यहाँ प्लग है देख पा रहा हूँ, ये हमारा पावर प्लग है, अभी मैं इसको जो है इनपुट करता हूँ, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इस चार्जर में प्रॉब्लम क्या है गाइस। तो अभी मैं इसको जो है इनपुट कर देता हूँ गाइस। मैंने इसको इनपुट कर दिया है, और हमारा जो इधर से स्विच है इसको भी मैं देख पा रहा हूँ, इसको ऑन कर दे रहा हूँ, और इसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही सर गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो है जो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा, यानी ये डेड कंडीशन में है गाइस, ये हमारा ई रिक्शा का चार्जर जो भी है। अभी मैं इसको किस तरह से रिपेयर करता हूँ गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ गाइस। तो अभी मैं मीटर को लगाता हूँ, और इसके बाद दिखाता हूँ कि हमने इसमें वोल्टेज दिया है या नहीं दिया है गाइस। सो गाइस, देख पा रहे होंगे हमने इसमें मीटर को सेट कर लिया है, और इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि हमारा कौन से पिन में कहाँ कितना वोल्टेज आता है गाइस। तो पहले मैं एक बार चेक करवाता हूँ कि इसको मैंने वोल्टेज दिया या नहीं दिया। तो मैं इसकी जो है मेन फिल्टर में जो है, अगर कोई भी सेट आपके पास डेड आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से रिपेयर करना होता है गाइस। मैंने इसको पावर इनपुट कर दिया है, और इसको फॉल्ट को समझा है, इसमें जो है डिस्प्ले नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, ये डेड कंडीशन में है गाइस। तो सबसे पहले हमें फॉल्ट को चेक करना होता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको मेन एसी जो है इसमें कनेक्ट कर देना है, आपको कभी भी सीरीज में कनेक्ट करना है गाइस। और इसके बाद हमें मेन फिल्टर में देखना होगा कि 200-250 या 300 के आसपास हमें वोल्टेज मिलना चाहिए गाइस। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारे जो मेन एसी सप्लाई से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर हो करके हमारी डीसी बनने के बाद जो हमारा मेन कैपेसिटर में जाता है वोल्टेज, क्या हमारा वहाँ वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है गाइस। तो ये हमारा एक साइड से निगेटिव हो गया, और इस साइड से मैं पॉजिटिव में, तो देख पा रहा हूँ गाइस, मैं इसको अभी 600 में कर देता हूँ, और इस क्योंकि 250 से ऊपर वोल्टेज बनता है इधर हमारा। तो अभी मैं गाइस देख पा रहा हूँ गाइस, 250 के आसपास का वोल्टेज इधर बन रहा है गाइस। और इसके बाद गाइस हमारा इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि एसी हमारी जो है सप्लाई इनपुट होती है, और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है, और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो भी सही है, और इसके बाद गाइस जो हमारा मेन जो फिल्टर लगा है वहाँ तक वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एसी सेक्शन है, एसी सेक्शन पूरी तरह से काम करता है गाइस। अब गाइस इसके बाद होता क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइस। इसके बाद हमारा जो है इस साइड से हमारा 12 वोल्ट जो है सप्लाई बनता है, और एसी 12 वोल्ट सप्लाई बनने के बाद गाइस हमारा ये जो आईसी है आईसी में जाता है। आईसी में जाने के बाद आईसी ऑन होती है हमारी। आईसी ऑन होने के बाद आईसी हमारे डीटी ट्रांसफार्मर को जो है ऑन करती है। हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है तो इसके डीटी को ऑन करती है। डीटी को ऑन करने के बाद डीटी हमारा जैसे ऑन होता है तो उसकी सेकेंडरी साइड जो पल्स जनरेट होती हैं वो पल्स हमारी मॉस्फेट की गेट में जाती हैं। फिर मॉस्फेट सेक्शन हमारा काम करता है। मॉस्फेट सेक्शन काम करने के बाद हमारा एमटी चालू होता है। एमटी चालू होने के बाद हमारा जो है ये आउटपुट जो है सप्लाई करता है गाइस। तो इस तरह से ई रिक्शा चार्जर काम करता है गाइस। मैं एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ। पहले हम एसी देते हैं, एसी को हमें चेक करना है। यहाँ हमारा 350 के वोल्ट के आसपास आता है, 250 से 350 के बीच में आता है वोल्टेज, तो इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ आपका अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब आपका एसी सेक्शन बिल्कुल सही है गाइस। स्टेप बाय स्टेप चेक करने का यही तरीका होता है गाइस।
अभी इसके बाद गैस हमारा, जैसे हमारा हमने इधर जो है हमारा वोल्टेज बन रहा है, इसके बाद गैस हमारा जो है चेक करना है इसके बाद कि हमारा 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है गैस, क्योंकि हमारा जो इस समय चार्जर डेड है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा ना गैस। तो पहले हमें एक जो है ये न्यूट्रल में लगा लेना है, मैं इधर एक न्यूट्रल में लगा देता हूँ इसके माइनस साइड में, और मीटर को मैं यहाँ रखता हूँ। अभी इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि हमारा 300 वोल्ट, तो अभी मैं एक बार चेक करता हूँ हमारा सप्लाई गैस, मैं अच्छे से प्रॉप को लगा लेता हूँ, देख पा रहोगे लगभग 250 के आसपास होता है, 250 से 350 के बीच में वोल्टेज आपको मिलता है गैस। अभी इसके बाद गैस हमारा यहाँ तीन पॉइंट होता है, 1, 2, 3, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इसमें हमारा जो है तीन पॉइंट होता है, तो हमें इसमें चेक करना होता है वोल्टेज कि कितना 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 वोल्टेज आता है। इधर हमें कोई भी पिन में या फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए ताकि हमारा 12 वोल्ट सप्लाई हमारी आईसी तक जाए। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि पिन कौन सी है गाइस। गाइस मैं दिखाता हूँ आपको हमारा कौन सा पिन है, ये हमारा जो है तीन टेस्ट पॉइंट है, देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, ये तीन टेस्ट पॉइंट है गाइस। इधर बीच वाले टेस्ट पॉइंट पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए, अगर ये 12 वोल्ट सप्लाई आपको नहीं मिलती है तो आपका जो है ये आपका चार्जर ऑन नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है गाइस। तो सबसे पहला काम इसको चेक करने के बाद इधर आपको 12 वोल्ट चेक करना है अगर आपका जो है चार्जर डेड कंडीशन में है तो। तो गाइस मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ और बताता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं इसको जो है ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ एक प्रॉप को, आप मीटर में चेक करिएगा। इससे पहले पिन में हम वोल्टेज देखते हैं 1-2 वोल्ट के आसपास, यानी ये वोल्टेज है भी नहीं, 1 वोल्ट ही मानेंगे। और इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, देख पा रहा हूँ गाइस दूसरे पॉइंट पे हमारा 11 से 12 वोल्ट इसको हम मान लेंगे 12 वोल्ट आ रहा है गाइस। और इसके बाद हम तीसरे पॉइंट में चेक करेंगे तो तीसरे पॉइंट में हमारा 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब गाइस हमारा जो 12 वोल्ट सप्लाई है, 12 वोल्ट सप्लाई तो बन रहा है हमारा, और हमारा जो 12 वोल्ट सप्लाई है वो आईसी में जाना चाहिए। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि आईसी में क्या हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है नहीं जा रही गाइस। तो मैं इस मीटर को इस साइड रख लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अच्छे से इसको सेट कर लेता हूँ मीटर को, देख पा रहा हूँ गाइस मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो ग्राउंड को हमें ग्राउंड से ही ले लेना है, तो मैं ग्राउंड को जो है ग्राउंड से ही कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हमारा जो इधर टेस्ट पॉइंट है तो वहाँ से वो निकल करके इस साइड से निकल के मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये मीटर अच्छे से नहीं रख जा पा रहा। इस साइड से हमारा ट्रैक जाते हैं, इस साइड आते हैं ट्रैक, इस साइड ये हमारी इस साइड ट्रैक आते हैं गाइस, ये वाली इधर। तो इधर हम अपना 12 वोल्ट चेक कर लेंगे, इधर हमने चेक करे हैं 12 वोल्ट, इधर मैं 12 वोल्ट सप्लाई चेक करता हूँ, इधर कोई ना कोई जगह पे 12 वोल्ट मिल, ये देख पा रहे हैं गाइस हमारा ये वाले टेस्ट पॉइंट में 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ से यहाँ तक सप्लाई तो आ रही है हमारी 12 वोल्ट की। और ये 12 वोल्ट सप्लाई हमारा जो है इस आपको ये रेजिस्टेंस के पास भी जाती है, देख पा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के पास भी 12 वोल्ट की आपकी सप्लाई गई। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी 12 वोल्ट सप्लाई है वो तो हमारी निकल रही है, निकलने के बाद हमारे रेजिस्टेंस तक जा रही है, और रेजिस्टेंस के बाद ये हमारी आईसी में जाती है गाइस। आईसी में जाने के बाद गाइस ये हमारा जो है फिर इसके बाद आईसी में जाने के बाद आईसी हमारा यहाँ से पल्स निकालता है, यहाँ एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा रहता है, और इसके बाद ये हमारा डीटी से ट्रांजिस्टर जुड़ा होता है। ट्रांजिस्टर जैसे इसको पल्स निकलता है, पल्स निकलने के बाद ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद ये हमारा पल्स इधर निकालता है, ऑन होने के बाद गाइस ये हमारा डीटी को ऑन कर देता है, और जैसे डीटी को ऑन करता है तो डीटी सेकेंडरी साइड वोल्टेज निकालती है गाइस, और निकालने के बाद गाइस ये हमारा जो मॉस्फेट के गेट में जाता है, फिर हमारा मॉस्फेट चालू हो जाता है। अब जैसे मॉस्फेट हमारा चालू होता है तो हमारा जो क्योंकि उसका लेग जुड़ा होता है एमटी से, तो वो एमटी को चालू कर देता है, एमटी की प्राइमरी साइड, जैसे एमटी हमारी चालू हो जाती है तो उसके सेकेंडरी साइड वोल्टेज निकल जाता है और हमारे बैटरी में चला जाता है गाइस। तो इस तरह से वर्क करता है। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, 12 वोल्ट बन रहा है तो हमारे ई रिक्शा चार्जर को पूरी तरह से चलना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में ये चार्ज चालू क्यों नहीं हो रहा मैं आपको गाइस बताता हूँ। इस सिचुएशन में अगर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक आती है तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको इस आईसी को चेंज कर देना है, आपका फॉल्ट सही हो जाएगा गाइस। तो मैं दिखाता हूँ कि ये इसकी प्रॉब्लम क्या है गाइस। मैंने इसके जो ये हमारा आईसी है, आईसी की इस वाली सबसे साइड वाली पॉइंट में अगर मैं इसको मल्टीमीटर के प्रॉप को अगर टच कर देता हूँ तो हमारा ऑन हो जाता है गाइस। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी आईसी खराब है, आईसी को आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। आप आईसी रिप्लेस कर देंगे तो गाइस ये आपका पूरी तरह से चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस।
और इसमें प्रॉब्लम ये भी होता है, तो कभी हमारा जो है ई रिक्शा ये चार्जर है कभी ऑन हो जाता है कभी ऑन नहीं होता, तो उसमें यही प्रॉब्लम होता है गाइस। तो मैं एक फॉल्ट ये भी बता देता हूँ, कभी ऑन हो जाता है कभी ऑन नहीं होता है, तो उसमें यही फॉल्ट होता है ये वाली आईसी। तो आप ये आईसी जो है आप इसको रिप्लेस कर दीजिए तो ये आपका चालू हो जाएगा गाइस। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसके जो है पीसीबी ऑन होने के बाद वोल्टेज कितना निकलता है गाइस। तो अभी मैं इसको क्विक स्टार्ट इसी तरह कर लेता हूँ, क्योंकि आईसी मैं बदल करके बाद में अपना कस्टमर को दे दूंगा। तो मैं अभी के लिए ऐसे ही इसको स्टार्ट कर लेता हूँ गाइस। तो मैं इसको जो है अभी स्टार्ट करता हूँ, देख पा रहा हूँ गाइस मैंने इसको जैसे टच किया तो ये हमारा जो है कार्ड है ये कार्ड चालू हो गया पीसीबी, और देख पा रहा हूँ डिस्प्ले में भी हमारी जो है लाइट आ गई, डिस्प्ले हमारी चालू हो गई गाइस। तो इसमें यही फॉल्ट था कि आप इस आईसी को चेंज कर लेंगे तो आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गाइस अभी आपको वीडियो कट करके जाने की आवश्यकता नहीं, अभी इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जब ये ऑन हो जाता है चार्जर तो हमें कहाँ कितने वोल्ट मिलता है वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस हम वही काम करेंगे, हम इसका जो है निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट को हम कैपेसिटर के निगेटिव पर रख लेंगे, ये मेन कैपेसिटर है मेन कैपेसिटर के निगेटिव में रख लिया। और इसके बाद हमारा जो तीन पिन है इधर हम चेक करते हैं कि हमारा कितना कितना वोल्टेज आता है। तो सबसे पहले वाले पिन में मैं चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आता है गाइस, देख पा रहा हूँ हमारा 2 वोल्ट फिट हो गया, इधर 2 वोल्ट आता है सबसे पहले नंबर पिन पे गाइस। और इसके बाद मैं देखता हूँ गाइस हमारा दूसरे नंबर पिन पे कितना आता है कार्ड ऑन होने के बाद, इसके पहले 12 वोल्ट इधर बन रहा था लेकिन कार्ड जैसे ऑन होता है तो मैं देखता हूँ कितना वोल्टेज आता है, देख पा रहा हूँ गाइस 19 वोल्ट 17, 18, 19 के आसपास 19 वोल्ट 18, 19 हो रहा है। यानी जब कार्ड चालू होता है तो हमारा जो इधर का वोल्टेज है इंक्रीज हो जाता है, तो अभी इसके पहले 12 आ रहा था लेकिन अभी इस समय 18-19 के आसपास आ रहा है गाइस। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट पे हमारा गाइस कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये हमारा पल्स सिग्नल वोल्टेज होगा कोई। और इसके बाद गाइस मैं इस साइड पॉइंट इधर पिन में दिखा देता हूँ कि आपको इधर जो हमारे टेस्ट पॉइंट है इस साइड के टेस्ट पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है गाइस, तो मैं इसको भी बता देता हूँ गाइस। मैं इसके बाद इसको जो है बताता हूँ, ये देख पा रहे होंगे हमारा इधर इस पहले पॉइंट में 2 वोल्ट के पास आसपास आ रहा है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं तो देख पा रहा हूँ 19 वोल्ट, यानी वो ट्रैक यहाँ से यहाँ तक आया है। फिर इसके बाद तीसरे में देख लेते हैं 0 वोल्ट है, और इसके बाद चौथे में देख लेते हैं गाइस इसमें 19 वोल्ट है, और इसके बाद हमारा जो है इस पॉइंट में देख पा रहा हूँ 8 वोल्टेज आ रहा है गाइस, ये 8 वोल्टेज आ रहा है चालू होने के बाद गाइस। ये हमारा 78012 है, 78012 से 5 वोल्ट आउट होता है, इसको 12 वोल्ट जब तक सप्लाई नहीं मिलती है तब तक ये हमारा ऑन नहीं होता है गाइस, ये बात को आपको ध्यान दे लेना है। तो हमने आपको वोल्टेज चेक करवा दिया गाइस, आपको हमने ये भी बता दिया कि ये किस तरह से काम करता है। मैं एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ, एसी हम इनपुट करते हैं, इसके बाद डीसी होती है, डीसी के बाद हमारा मेन कैपेसिटर में 300-350 वोल्टेज आता है, और इसके बाद गाइस हमारा यहाँ से पल्स यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई निकलती है, 12 वोल्ट सप्लाई निकलने के बाद हमारा जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ जाती है, इसके बाद हमारा आईसी पे जाती है, आईसी हमारी ऑन होती है जब हमारी 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो ऑन हो जाती है, जब आईसी ऑन होती है तो यहाँ से सिग्नल निकालती है, सिग्नल निकालने के बाद गाइस हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद हमारा जो है ये आपका डीटी से जुड़ा होता है तो डीटी को ऑन कर देता है ट्रांजिस्टर, और जैसे डीटी ऑन होती है तो इसके सेकेंडरी साइड पल्स निकलती है, पल्स निकलने के बाद हमारे गाइस हमारे मॉस्फेट के गेट में जाती है। अब तब हमारा जो है मॉस्फेट हमारा स्विच करने लगता है यानी ऑन हो जाता है, मॉस्फेट जैसे स्विच होता है तो हमारा जो एमटी चालू हो जाता है क्योंकि मॉस्फेट के से जुड़ा होता है एमटी, तो एमटी चालू हो जाता है, एमटी चालू होने के बाद उसके सेकेंडरी साइड वोल्टेज आ जाती है गाइस, और इस तरह वोल्टेज जो है इधर हमारी जितने भी वोल्ट का चार्जर है उतने वोल्ट आउट हो जाती है गाइस। तो इस तरह से इसको जो है आपको रिपेयर करना है गाइस, और आपको किसी तरह की कोई फॉल्ट में दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा गाइस। और इसको मैं अभी आईसी को रिप्लेस करके इसको जो है बना करके कस्टमर को दे दूंगा गाइस। तो गाइस इस तरह से इसको रिपेयर करना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहें। सो गाइस आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।